हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज सुबह सुबह मम्मी पापा एक फंक्शन में चले गए थे, मैं तो नहीं जा पाया था क्योंकि मेरी क्लास थी। तो भैया और मैं अभी घर पे ही हैं, और सुबह मम्मी हमें नाश्ता करा के चली गई थी, और फिर मम्मी ने बोला था कि लंच में तुम छोले भटूरे खा लेना। तो अब मेरे को भूख लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ छोले भटूरे ले ही आता हूँ। तो फिर चलते हैं, लेट्स गो। कैसे गए? तीन प्लेट लाऊं? लेट्स गो, चलो चलते हैं, बाय। अरे दोस्त, यहाँ पर तीन दिन से पानी भरा हुआ था ना, तो देखो काई की कैसे पपड़ी जम गई है। यहाँ पर काई भी जम गई इतने में। नहीं, खतरनाक लग रही है ना। यहाँ पर एक्चुअली कुछ काम चल रहा था उधर की तरफ, तो यहाँ पर इस वजह से पानी भर गया था। और दो तीन दिन से भरा हुआ था, तो यहाँ पर काई जम गई है। और अब पानी सूख गया तो काई भी सूख गई, छूट रही है पपड़ी की तरह। इस काई को साइंटिफिक भाषा में अलगाए कहते हैं, अलगाए, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। मैंने सोचा थोड़ा ज्ञान भी बांट देता हूँ। बहुत अजीब तरीके से चला रहे हैं स्विफ्ट। अरे थ्री व्हीलर का आगे वाला टायर बांध के ले जाया जा रहा है आगे वाले थ्री व्हीलर से। छोले भटूरे हमने ले लिए, अब चलते हैं घर। लो भाई, हम घर पहुंच गए हैं। घर के आगे स्कूटी रोक देते हैं। अरे ऑटोमेटिक डोर्स, थालियां लाई जाएं, कटोरे लाए जाएं। दोस्तों, छोले भटूरे हमने खा लिए, खा पी तो हम चुके हैं, थोड़ी देर में साइकिल चलाने चलते हैं। टेबल पे कपड़ा भी लगाना पड़ेगा। मेरे को प्राइज मिलना चाहिए, दुनिया का सबसे ज्यादा काम करने वाला बच्चा। सबसे ज्यादा काम करने वाला बच्चा हूँ मैं। जमीन भी साफ करनी है अभी तो। जो भी छोले नीचे गिरे हुए थे वो सारे मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिए हैं। साइकिल चलाने जा रहा था बस। तो दोस्तों, हमारा साइकिल चलाने का टाइम हो चुका है, और आज मैंने अपने हेलमेट को एकदम टाइट कर लिया दोनों तरफ से। पहले थोड़ा हिलता था हेलमेट, अब हिलेगा नहीं। चलो चलते हैं। मेरे पीछे वाली लाइट में बैटरी खत्म हो चुकी है दोस्तों, चार्ज करनी पड़ेगी, और अभी मैं चलता हूँ। आज दोस्तों साइकिल पे बैठे बैठे हम कुर्सी को नहीं लगाएंगे, पहले साइकिल को आराम से खड़ा कर देंगे। बाय। कुर्सी हमारी लग चुकी है दोस्तों। बारिश में चला चला के ना मेरी साइकिल की चेन में जड़ लग गई है, मुझे लग रहा है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा, एक बार करते हैं कुछ इलाज, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। एक बार इसको ढंग से साफ कर देंगे, जड़ उतर जाएगा सारा, और क्या कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है। और मौसम तो बढ़िया हो रहा है, धूप नहीं हो रही है बिल्कुल भी। लेट्स गो। कहाँ चलें आज हम? चलो कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम आज तक ना गए हों। वैसे तो ऐसी काफी सारी जगह होंगी, पर ढूंढना मुश्किल है क्योंकि जहाँ हम गए नहीं उस जगह के बारे में पता लगाना भी तो मुश्किल है ना। अब यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो हम सीधा जाएं, या राइट जाएं, या लेफ्ट। ओहो, सोचने का मौका भी नहीं मिला, रेड लाइट खुल गई सीधा। चलो आज सीधा चलते हैं, सीधा चल के फ्लावर चढ़ते हैं, और फिर इसी रोड पे आगे जाके देखते हैं हमें कोई नई जगह मिलती है कि नहीं। क्योंकि सीधा जाके लेफ्ट हैंड साइड मेरे ख्याल से पटेल नगर है, वहाँ पर तो हम घूम चुके हैं एक बार पहले, अब की बार हम राइट हैंड साइड घूमते हैं। लेट्स गो। अरे बुर्ज खलीफा बना रखा है पूरा कंटेनरों का, और यहाँ पर भी देखो साइकिल ट्रैक बन रहा है, उधर भी बन रहा है, दोनों तरफ बन रहा है। हम ही करेंगे इसका उद्घाटन। हटो जी हटो, हमें फ्लावर चढ़ना है, बहुत काम है हमें अभी। अब शुरू होता है ना असली काम, फ्लावर चढ़ना सबसे मुश्किल काम। और ये हम ट्रेन की पटरियों को पार करते हुए, बच्चा ग्रिल पे नेल पॉलिश लगा रहा था, और सामने देखो घोड़ी जा रही है। लो भाई, हमने घोड़ी को ओवरटेक कर दिया। ओए होए ट्रैफिक, आगे से कहीं राइट मुड़ते हैं, यहाँ पर तो रास्ता ही बंद कर रखा है मुड़ने के लिए। फोन आ रहा है किसी का, एक सेकंड रोक के उठा लेता हूँ, यहीं पर रोक लेता हूँ अंदर गली में। रोड पे लोग छीन के भाग जाते हैं। हेलो भाई, राम राम। कौन डॉक्टर? तो कब जाना है? दोस्तों मेरे डेंटिस्ट का फोन आ रहा है पापा के पास, तो शायद मेरी अपॉइंटमेंट है कल, तो देखते हैं जो भी होता है। अभी पापा फोन करके बता रहे हैं, अभी होगी तो अभी चले जाएंगे, कल होगी तो कल चले जाएंगे। हेलो, ओके। तो यहाँ हूँ पटेल नगर। ओके बाय। मेरी अपॉइंटमेंट आज तो नहीं है दोस्तों, तो आज हम आराम से साइकिल चलाते हैं। और ये देखना कितने पुराने पुराने घर बने हुए हैं, सारे के सारे एक से एक पुराने हैं। पुराने मकानों के ऊपर ही शीशे लगा के नया सा कर दिया उन्हें, पर पीछे तो वही हैं। अब आगे कटाने वाला है, वहीं से राइट मुड़ते हैं, फिर देखते हैं जरा अंदर क्या है। हमें राइट जाना है दोस्तों, राइट में हमें जाना है शादीपुर मेन बाजार में, एवं शादीपुर गाँव। ये पूरा एरिया तो काफी गहराई में है।
छोटी छोटी सी गलियां हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी। कहां से निकलूंगा मैं? यहाँ आके थोड़ी चौड़ी गलियां मिली हैं, इतनी ज्यादा छोटी गलियां थी कि पूछो ही मत। ये कोई मार्केट आ गई है। एक और शांत गली आ चुकी है और छोटी। अब जाके दोस्तों थोड़े खुले से एरिया में आऊंगा। सच बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है अंदर, एकदम गुप्त सा एरिया था। अब यहाँ से घर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। दोस्तों इस एरिया में इतनी ज्यादा छोटी गलियां थी, इतने छोटे छोटे घर थे, इतने पुराने पुराने घर थे यहाँ पर। ऐसा लग रहा था कि आजादी के टाइम के घर है सारे। और इतनी छोटी गलियां थी कि साइकिल भी मुश्किल से निकलवा रही थी, और लोगों ने घरों में पार्किंग बना रखी थी इतनी छोटी गलियों में। पहले तो गाड़ी घुसे तभी तो पार्किंग कर सकता है कोई, पर उन्होंने अपना काम पूरा कर रखा था कि कभी गलती से डोरेमोन की स्मॉल लाइट से हमारी गाड़ी छोटी हो जाए और अंदर घुस जाए तो हम अपनी गाड़ी इसमें पार्क तो कर पाए। काफी अच्छा लग रहा है इस मेन रोड पर आके। अरे कितने सारे सुअर हैं। तो हम अपने जाने पहचाने रोड पे आ चुके हैं, यहाँ से तो आराम से घर पहुंच जाएंगे। मोती नगर हम पहुंचने वाले हैं। सामने अपना फ्लाईओवर आ चुका है जिससे अभी हम चढ़ के आए थे, अपना वही फेमस फ्लाईओवर जिसपे हम रोज चढ़ते हैं। कितना ट्रैफिक है। चलो भाई दोस्तों, बस थोड़ी सी देर में हम घर पहुंचने वाले हैं। और मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। घर जाके ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा और कुछ देर आराम करूंगा। हम घर पहुंच चुके हैं, मैं नींबू पानी बनाने था अपने लिए। दोस्तों मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ, अब दिख जाऊंगा, ठीक है ना? तो दोस्तों मम्मी पापा तो अभी नहीं आए हैं। मैं सोच रहा हूँ अपनी एडिटिंग शुरू कर देता हूँ। अभी रात के 9 बज चुके हैं पूरे, करेक्ट 9। मम्मी पापा आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, शुरू कर देता हूँ एडिटिंग। भाई राम राम। दोस्तों मम्मी पापा आ चुके हैं। अड़ी जल्दी आई मम्मी, आप तो हैं। पूरा नहीं हुआ अभी तेरा व्लॉग। हो गया। हाय पापा, धूम है? बहुत बढ़िया। अच्छा चलो मम्मी मैं एडिटिंग करता हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ। अब तो बस मैं एडिटिंग करूंगा और फिर सो जाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट जरूर कर देना। मिलता है फिर आप सभी से कल सुबह 7:30 बजे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मजे करो।